हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। सबको सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी निफ्टी कैसा रह सकता है और मिड कैप निफ्टी के भी हम लोग देखेंगे एक्सपायरी है मंडे को। लास्ट वीक वीडियो नहीं बनाया था, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था, अभी भी खराब है। आवाज़ शायद थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि इतना डिले नहीं करते हैं तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं वीकली कैंडल। वीकली कैंडल देखो, ये बेयरिश है, दो वीक ऑलमोस्ट एनगल्फ कर चुका है, तो ये बेयरिश दिख रहा है वीकली में, ठीक है। और वीकली में ये पूरा बेयरिश दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। लाइक डेली का तो बहुत ही ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है, क्योंकि देखो मतलब कितना दिन का, एक दिन में ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट 10-12 दिन का, एक दिन ट्रेडिंग सेशन का मतलब 15-20 दिन का, एक दिन में इसने पूरा ख़त्म कर दिया एक ही सेशन ने, ठीक है। तो ये पूरा बेयरिश दिख रहा है डेली में भी। तो अभी हम लोग इसको ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि वीकली में नेक्स्ट वीक हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखो हाँ, नेक्स्ट वीक बेयरिश रह सकता है, लेकिन मैं कुछ आपको बताऊँगा जो इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले कि अभी तो बेयरिश दिख रहा है, लेकिन हम लोग बुलिश बस एक ही कंडीशन में होंगे नेक्स्ट वीक, इसके ऊपर ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर हम लोग बुलिश होंगे। लाइक अराउंड ये 51,100 पकड़ लो ऑलमोस्ट, लाइक ये वाला लेवल पकड़ लो, 100 से थोड़ा कम है लेकिन 100 ही पकड़ लो, 51,100 के ऊपर ही हम लोग बुलिश के लिए देखेंगे। इसके नीचे जब तक है तब तक हम लोग सेल द बाउंस वाला स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, इसके ऊपर ही बुलिश होंगे, ठीक है। ये वाला एक इसके ऊपर ही बुलिश लग रहा है मुझे, और अब जहाँ अभी जहाँ पर है वहाँ से मुझे बेयरिश ही दिख रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर बुलिश और बेयरिश होने से कहाँ तक जाएगा, देखो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन मुझे लगता है ये वाला जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले आउट कर सकता है। मुझे जो लग रहा है कि ये वाला जोन के आसपास से, ये वाला जोन के आसपास से लाइक 49,600-700 ये वाला हो सकता है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ा सबको और भी फंसाए, देन यहाँ से मुझे लगता है एक बाइंग आना चाहिए। मतलब बाइंग नहीं बोल सकते इसको, एक लाइक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है या फिर एक जो पुल बैक होता है वैसा हो सकता है, लेकिन ये पुल बैक थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लाइक 1,000-1,500 पॉइंट का भी हो सकता है। तो मैं इस जोन में जब तक यहाँ पर आएगा 700-800 के नीचे, मान लो यहाँ अभी कितना है 627 या लाइक क्लोजिंग हुआ है लाइक ऑलमोस्ट 576 में, यहाँ से मुझे और 700-800 पॉइंट का फॉल दिख रहा है। इसके बाद मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊँगा, मैं अपना शॉर्ट्स पोजीशन थोड़ा सा बुक करना पसंद करूँगा, देन यहाँ पर मैं बुलिश के लिए प्ले करूँगा। हाँ, मेरा एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसके आसपास ये वाला जोन मेरे लिए थोड़ा सा बुलिश वाला दिख रहा है, एक बाउंस बैक के लिए प्ले करूँगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा, एक बाउंस बैक हो सकता है, हो सकता है नेक्स्ट वीक ना इसके अगले वीक आए एक बाउंस बैक है, देन फिर अगेन फॉल करे, लेकिन यहाँ से मैं एक बाउंस बैक के लिए प्ले करूँगा ही करूँगा, ठीक है। वो बाउंस बैक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, 1,000-1,500 पॉइंट का भी बाउंस बैक हो सकता है, तो इसलिए ये वाला प्ले करना मैं चाहूँगा। और लाइक एक दो स्टॉप लॉस देने के लिए मैं तैयार हूँ, 100-100 का दो स्टॉप लॉस दे दिया, अगर मेरा 1,000 पॉइंट का मूव मिल गया तो मेरा 1:5 फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और ऐसा नहीं कि मैं रैंडम करूँगा, कुछ 15 मिनट में मुझे कुछ बुलिश मिला, कुछ भी मतलब मुझे पैटर्न मिला 15 मिनट में, तब मैं वहाँ पर बुलिश हो जाऊँगा और मैं थोड़ा पोजिशनल टाइप का लाइक 1,000-1,500 पॉइंट के 2-3% के लिए मैं प्ले करूँगा, लेकिन इस जोन के आसपास, ठीक है, इस जोन के आसपास रैंडमली मत करना। मैं यहाँ से देखो ये वाला जो है, ये वाला मेरे लिए अभी के लिए इसके ऊपर बुलिश है, अभी बेयरिश है, और यहाँ तक मेरे लिए बेयरिश ही है, ये वाला जोन मेरे लिए बेयरिश है, यहाँ तक मैं बेयरिश के लिए प्ले करूँगा, देन इसके बाद यहाँ से मैं बुलिश के लिए प्ले करूँगा या फिर इसके ऊपर, इसके अलावा मैं बुलिश के लिए प्ले ही नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगा वीकली में कैसे करना है। मेरे लिए अभी इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, और कि 500 मतलब राउंड फिगर पकड़ लो 49,500 से नीचे और मुझे नहीं दिख रहा है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या मुझे सेप्टेम्बर को मुझे नहीं लग रहा कि इसको तोड़ेगा, तोड़ना चाहिए और इसको तोड़ना चाहिए, और लाइक यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आके देन हो सकता है कि बाद में वो फॉल फिर से रिज्यूम करें, ऐसा चांसेस है। तो ये वाला मुझे वीकली में लग रहा है। तो अभी इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं, वीकली का हम लोग देख लिया, इसके 51,100 के ऊपर बुलिश और बाकी बेयरिश दिख रहा है, और नीचे यहाँ पर हम लोग को अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिख रहा है, ये वाला जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हम लोग को नजर आ रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक करके सबको फंसा के देन 500 के आसपास से ये रिवर्स करें। तो अभी हम लोग डेली में देखते हैं, डेली सॉरी मतलब इंट्राडे के लिए देखते हैं। इंट्राडे के लिए देखो इंटरेस्टिंग क्या है, इंट्राडे के लिए आपको मंडे के दिन सेल द बाउंस ही मेरे लिए रहेगा, सेल ऑन राइज रहेगा। और अभी इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, भर भर के रेजिस्टेंस, ऊपर भर भर के रेजिस्टेंस है, ठीक है।
तो हम लोग अभी देखो, अगर फ्लैट ओपन हुआ, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, देन तो हम लोग को एक मिल जाएगा कि ये वाला नीचे ब्रेक करने से, 500 ब्रेक करने से हम लोग को एक ट्रेड मिल सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तब तो हाथ से चला जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन होने से मुझे लगता है वॉलेटाइल हो जाएगा और एक डोजी टाइप का कैंडल नीचे से बना सकता है, ठीक है, डेली में तो ऐसे चांसेस है। अगर फ्लैट ओपन होता, हल्का फुल्का गैप अप होता है, सबसे बेस्ट है थोड़ा सा गैप अप हो, 100 पॉइंट्स जैसा गैप अप हो, देन वहाँ पर अगर थोड़ा सा 5 मिनट्स हम लोग को कुछ बेरिश मिले, देन हम लोग वहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट हो तब भी मैं थोड़ा सा अच्छा होगा, फ्लैट होने के बाद अगर आधा एक घंटा यहाँ पर टिक गया, देन उसके बाद फॉल आया, तब वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे से, तो मतलब थोड़ा सा स्टे करके देन फॉल आए, तब अच्छा रहेगा। गैप डाउन होने के बाद वॉलेटाइल हो जाएगा, लेकिन गैप डाउन होने के बाद अगर मान लो थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन हम लोग इस जोन के आसपास कहीं पर सेलिंग फिर से मिल सकता है और हो सकता है हम लोग जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ तक का टारगेट के लिए एक बार प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैं मतलब ये एकदम थोड़ा सा टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। अगर गैप डाउन होता है यहाँ पर, अगर फिर से आता है क्लोजिंग के आसपास, देन फिर से अगर फिर से आपका जहाँ पर गैप डाउन होगा वहाँ तक का एक टारगेट बन सकता है और हो सकता है उसके बाद वॉलेटाइल हो जाए, एक मूव यही मिल सकता है, उसके बाद वॉलेटाइल हो जाए। गैप डाउन में आपका हाथ से चला जाएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन 50-60 पॉइंट के, इट्स ओके, बट बहुत बड़ा गैप डाउन में आपका हाथ से चला जाएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा एक ही या दो ट्रेड ही प्लान करना, ज़्यादा ट्रेड प्लान मत करना, नॉर्मली दो ट्रेड ही प्लान करना चाहिए। तो गैप डाउन में कौन सा ट्रेड, अगर ये यहाँ पर आता है देन यहाँ के आसपास अगर हम लोग को सेलिंग मिला, देन फिर से जहाँ से ओपन हुआ था वहीं तक का टारगेट रहेगा, जो भी कैप्टन में जो हम लोग का टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में सबसे इंटरेस्टिंग है क्या है, मैं जो बाइंग वाला बोला वो निफ्टी में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ आपको, वीकली में अब बेयरिश दिख रहा है, पूरा एनगल्फ कर दिया, डेली में भी अच्छा खासा बेयरिश ही दिख रहा है, लेकिन अभी हम लोग 30 मिनट्स में देखते हैं कि वीकली में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका जो है, इसको आपको इस कैंडल के ऊपर ही आपको बुलिश के लिए देखना है, ये वाला कैंडल के ऊपर ही बुलिश के लिए देखना है, ये वाला कैंडल जो है बिग बार जो है इसके ऊपर ही आपको बुलिश के लिए देखना है और वीकली में, और इसके नीचे जब तक है आपका लाइक सेल द बाउंस या फिर आप सेल कर सकते हो ऐसा टाइप का अभी है, इसके ऊपर ही बुलिश होना है। और नीचे जब हम लोग को लग रहा है, नीचे थोड़ा सा लाइक 500 तक का एक मुझे लग रहा है ये वाला जो जोन है, ये वाला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, तो ये वाला जो है ना ये 500 के आसपास तक एक बार आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपको मैं बोला था 500 लाइक बैंक निफ्टी में कि यहाँ से बाइंग होगा, मतलब बाइंग थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन ये मैं निफ्टी में नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि निफ्टी देखो ये मेरा पर्सनल है, निफ्टी मुझे लग रहा है कि अगर वो बाइंग आएगा तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा होगा, निफ्टी थोड़ा लाइक कब आउट परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा भागेगा मुझे ऐसा लग रहा है। जो वो 49,500 के आसपास से बोला था आपको कि 500, 600, 700 जो वहाँ पर अगर कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो वहाँ से जो बाइंग आएगा वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो ये वाला जो यहाँ पर 500 तक दिख रहा है ये वाला, तो 500 तक आने के बाद हो सकता है ये थोड़ा ही जाए, लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा जाए, तो ये डिफरेंस मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है। तो ये वाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में वो बाइंग वाला सिनेरियो मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मेरे लिए नहीं है। आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, आपका सबके अपना अपना श्रद्धा हिसाब से यूज़ करो, लेकिन मेरे लिए वो निफ्टी में थोड़ा सा कम दिख रहा है और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मुझे वो बाइंग, ठीक है। और हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से इस रेंज तक, क्योंकि ये वाला देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत टाइम तक स्पेंड करके इसको बेस बना के देन ये भागा, तो ये वाला हो सकता है कि थोड़ा और डीप हो जाए, हो सकता है थोड़ा डीप हो जाए 500 से थोड़ा और डीप हो जाए, देन यहाँ से जाए 400 तक आ जाए, देन वहाँ से जा सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे ये टारगेट दिख रहा है 500 तक का आसपास का एक टारगेट मुझे लग रहा है। तो अभी हम लोग इंट्राडे के लिए देखते हैं, इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। इंट्राडे में सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का सेम है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, लाइक निफ्टी में ज़्यादा मतलब थोड़ा पास में है, बैंक निफ्टी में थोड़ा दूर है, निफ्टी में थोड़ा पास में रेजिस्टेंस है, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ये सब ये थोड़ा माइनर रेजिस्टेंस है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये दो रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं। और जो मतलब आपको जो बोला था कि फ्लैट ओपन होकर अगर इसको ब्रेक करता है देन हम लोग वैसे बैंक निफ्टी की तरह उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। देन अगर गैप डाउन होता है देन सेम, गैप अप होने से भी सेम, हम लोग इस जोन के आसपास अगर मिलता है हम लोग कर सकते हैं, इस जोन के आसपास मिलता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात है, मंडे के दिन सैलोन राइज वाला मार्केट रहेगा, सैलोन राइज हो या फिर लाइक ओपन अगर फ्लैट हो तब भी सेल करने के लिए हम लोग देखना, बाइंग के लिए नहीं देखना, क्योंकि बाइंग बहुत दूर जाके उसके बाद बाइंग आने वाला है। अगर इंट्राडे के लिए बात करेंगे, इंट्राडे इसके ऊपर ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकता है, तो इतना दूर ऑलरेडी है, ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूव हो चुका होगा, तब आप बाइंग करोगे तो ज़्यादा उसमें दम नहीं रहेगा।
और ऐसा कुछ हो जाए, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ जाए या फिर बहुत बड़ा बैड न्यूज़ आ जाए, तो जो हम मैंने लेवल दिया था 49,500 का, या फिर निफ्टी में जो लेवल लगे हम लोग डिस्कस किए थे कि 400-500 का, हो सकता है वो भी ब्रेक हो जाए। देखो हाँ, हो सकता है ये भी ब्रेक हो जाए, और अगर बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ जाए हो सकता है ये ब्रेक होके ऊपर और चला जाए और 150-200 पॉइंट और चला जाए। तो एनीथिंग कैन हैपन। अभी न्यूज़ हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा आ सकता है, क्योंकि जैसे चल रहा है CBUV का, जो सबको पता है वो बात, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड मार्केट भी हो जाए, इसलिए बोला कि लेकिन देखो एक अब हम लोग तो एक प्रिपेयर होके ही जाएंगे ना कि क्या करना है मंडे के दिन, कैसे हम लोग देखना है, तो उस हिसाब से मैं उसको ही बता रहा हूँ। बहुत बड़ा न्यूज़ आ गया उसके बाद तो कुछ नहीं होता, उससे प्राइस एक्शन तो काम नहीं आता। और लाइक मिड कैप निफ्टी का मंडे एक्सपायरी वो भी देख लेते एक बार। मिड कैप निफ्टी देखो इसका भी बहुत दूर है, ये वाला लेवल क्रॉस करने 150 क्रॉस करने के बाद ही आप उसको बाइंग के लिए देख सकते हो, इसके अलावा आप इसको सेलिंग के लिए देखो, ठीक है। सेल ऑन राइज यहाँ तक तो आपको सेल ऑन राइज पूरा मिल सकता है ये वाला जोन तक, लाइक यहाँ से यहाँ अगर कहीं पर भी आपको सेल ऑन राइज मिले आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ही जाए, यहाँ से सेल आ सकता है, हो सकता है यहाँ से सेल आए, हो सकता है यहाँ से सेल आए, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाकर सेल आए, ठीक है। तो आपको सेल ऑन राइज का देखना है, वो आपका 5 मिनट का थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर देना, 5 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो। और इसका भी सेम फ्लैट ओपन होता है, इसको तोड़ते हैं देन हम लोग को अच्छा खासा एक टारगेट मिल सकता है। टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, देखो टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, इस जोन के आसपास तक का टारगेट हो सकता है, हाँ 920-900 के आसपास तक का टारगेट मंडे को ही हो सकता है। यहाँ से 100-150 पॉइंट का मूव मंडे को भी फिर से मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि ये बहुत हाइपर मूव किया था, तो इसमें जब सेलिंग भी आएगा ना, इसमें अच्छा खासा सेलिंग जब भी आता है आप देखना है इसके मिड कैप निफ्टी में अच्छा खासा आता है, तो 900 तक का आसपास का टारगेट मिल सकता है आप लोगों को, अगर ये सच में मूव करना हुआ तो मूव कर लेगा ये। फ्लैट ओपन होके इसको भी सिंपल है, फ्लैट ओपन होके इसको तोड़ते हैं देन हम लोग बेरिश के लिए ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा गैप अप हो गया तो उस 5 मिनट में कुछ भी मिलता है हम लोग को सेलिंग सिग्नल, तो हम लोग कर सकते हैं। गैप डाउन में हाथ से थोड़ा चला जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ना हुआ, ठीक है, देन थोड़ा रिवर्सल में हम लोग यहाँ पर आसपास में से थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, और हो सकता है जहाँ पर ओपन हो उसको भी क्रॉस करे थोड़ा और नीचे जाए, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का मूव भी आ सकता है, चांसेस है। मैं हीरो जीरो का एक हल्का सा छोटा सा टेक्निक बताता हूँ आपको, हीरो जीरो कैसे लेना है। जैसे देखो हम लोग ने अभी माइंडसेट क्या बना लिया, सेल ऑन राइज है, ठीक है, हम लोग ने माइंडसेट बना लिया सेल ऑन राइज है, हाँ। अभी सोचो कि मंडे के दिन मार्केट मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग ने पूरा देख लिया, सब कुछ देख लिया कि हाँ सेल ऑन राइज लग रहा है, मंडे के दिन सेल ऑन राइज है, SOR, ठीक है, सेल ऑन राइज है। तो अभी हम लोग ये प्रिपेयर है, अभी मंडे के दिन मान लो लाइक मिड कैप निफ्टी यहीं पर ओपन हुआ जहाँ पर है, जब लोग 68-66 जो भी है 60 के आसपास ओपन हुआ, देन ये ना थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर रहा, ऊपर गया, यहाँ पर रहा, ऊपर गया, यहाँ पर रहा, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है। लेकिन हम लोग ने क्या प्रिपेयर करके गए थे कि सेल ऑन राइज है, हम लोग सब कुछ देखे थे, हम लोग मान लो डेटा भी देखे, कोई डेटा देखता है कोई नहीं देखता, जो भी है हम लोग चार्ट पैटर्न देखे सब देखे, तो हम लोग को सेल ऑन राइज पूरा दिख रहा है। लेकिन ये ना 2-2.5 बजे तक ना ज़्यादा कुछ मूव किया ही नहीं है, ये सेल ऑन राइज था लेकिन ये ना लाइक फॉल हुआ ना राइज हुआ कुछ नहीं हुआ, या फिर थोड़ा सा ऊपर ही है, हल्का सा ऊपर ही है, और यहाँ पर ये 2:30 बजे तक यहाँ पर ये होवर करता रहा, तब आपको मिल सकता है डाउन साइड में हीरो जीरो का ट्रेड, वो वाला सबसे बेटर ट्रेड होता है। उसमें आपका चांसेस क्या हो जाता है, देखो मैं महीना में शायद मैं मतलब हर तो अभी तो हर डे एक्सपायरी है, मैं हर डे में एक्सपायरी के लिए मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे महीना में 21 डेज में मान लो 21 डेज ही ट्रेडिंग सेशन रहता है, तो मुझे 5 दिन जैसा हीरो जीरो ट्रेड मिलता है, 5 डेज हीरो जीरो ट्रेड मिलता है, 5 में से 2 मेरा सही जाता है, 3 मेरा गलत जाता है, 3 गलत जाता है, ऐसा गलत नहीं है, मेरा टारगेट बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। मैं अगर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अगर मान लो 5 रुपये में प्रीमियम बाय कर रहा हूँ हीरो जीरो में, ठीक है, तो मेरा टारगेट रहता है, सुन के आप लोग डर जाओगे बट जो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ 100 रुपीज़, और ये 5 रुपये का मान लो 4 रुपये स्टॉप लॉस रहता है, मतलब मैं एकदम जीरो होने में फिर भी नहीं देता, 1 रुपये में लेके निकल जाता हूँ, तो 5 रुपये में मान लो 1 रुपये आया, फिर 70-80 पैसा का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, और मेरा टारगेट हो जाता है 100 रुपीज़ का, तो मेरा 20-1:20 का टारगेट मिनिमम रहता है, मेरा 1:20 का टारगेट रहता है, और मैं इसमें बहुत कम पैसा लगाता हूँ, मेरा पूरा कैपिटल का मैं 0.5% मतलब 0.5% लगाता हूँ इसमें, गया तो गया, तो महीने में 5 बार मेरा होता है
और मैं दो मेरा सही होता है, मेरा मतलब 40% है, लेकिन ये 40% मेरा बहुत काम आ जाता है, क्योंकि आपको कभी कभी 40% मतलब कभी कभी क्या होता है, मान लो कि 50 पास में बाई किया, मैं रख देता हूँ, देखता हूँ ये क्लोज़ हुआ 60 में, तो वो वाला मेरा प्रॉफिट में आ जाता है, ठीक है, 60 में क्लोज़ हो जाता है, कोई कोई ऐसा होता है, और कोई कोई मान लो 30 में क्लोज़ हो गया, ऐसा हो जाता है, तो मेरा ऐसा ही होता है। और अगर 100 मिल गया तो मैं 100 में ही बुक कर लेता हूँ, मैं उसके बाद मैं उसको और कैरी नहीं करता कि 150 चला जाए, 200, कभी कभी हो जाता है कि 500 का 150 भी चला जाए, 200 भी चला जाए, बट इट्स ओके, मैं 100 तक ही मैं रखता हूँ, मतलब 1:20 का ही रखता हूँ मैं रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आपको ये मिल गया ना, मतलब 5 में से मैं 3, अब मैं बोल रहा हूँ 5 में से आपका 2 नहीं, 1 अगर राइट हो गया ना, और आप मतलब हमेशा इसको श्रद्धा से करते रहे, और कैपिटल ध्यान से यूज़ किया, मैं जैसे मैं 0.5% कैपिटल ही यूज़ करता हूँ, मान लो मेरा 1 लाख का कैपिटल है, देन मैं 500 रुपये लगाऊंगा इस ट्रेड में, अगर मेरा 2 लाख का कैपिटल है, देन मैं 1,000 रुपये लगाऊंगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, अगर देखो मान लो अगर आपको 5 ट्रेड मिला, आपको मान लो 6 ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, 6 ट्रेड मिल रहा है आपको, 6 ट्रेड मिल रहा है पूरा महीना में, 6 ट्रेड मिल रहा है, तो आपका पॉइंट अगर पूरा 6 को 6 लॉस होगा, तब भी आपका 3% ही जाएगा कैपिटल का, और अगर सोचो आपका हो गया तो 10% कैपिटल का आ जाएगा, क्योंकि आप 1:20 रख रहे हो, 10% कैपिटल का आ जाएगा, देन अगर 10% 2 में आ गया तो आपको कितना हो गया, 20% आ गया, और यहाँ पर थोड़ा सा गया, लेकिन हाँ इसमें वही भी बोल रहा हूँ, इसमें रिस्क है, लेकिन यही यही गेम है कि अगर आपको अगर पेशेंस नहीं है ना, अगर आप सोचो कि हर डेली एक्सपायरी है, डेली में मैं हीरो जीरो खेलूंगा, तब नहीं होगा, आपको पता होना होगा। अगर देखो अगर उस दिन मान लो कि मंडे के दिन ये नीचे चला जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, तो मैं वहाँ पर हीरो जीरो करूँगा ही नहीं, ठीक है, बहुत नीचे ऑलरेडी है, तो मैं हीरो जीरो करूँगा भी नहीं, और अगर मान लो इसको भी तोड़ के ऊपर चला गया, थोड़ा और ऊपर चला गया, थोड़ा सा हो गया, तब भी मैं हीरो जीरो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, मेरा प्लान है ये, आपका दूसरा प्लान हो सकता है। मेरा प्लान क्या होता है, जिस दिन मेरा मान लो कि जो है अभी सेलोन राइज वाला मार्केट मुझे लग रहा है, मैंने डेटा चेक कर लिया, मैंने चार्ट पैटर्न देख लिया, सब कुछ देख लिया, सेलोन राइज है, अभी अगर मंडे के दिन 2:30 बजे तक यहाँ पर रहा, यहीं पर रहा, थोड़ा ऊपर रहा तो और बेटर है, थोड़ा हल्का सा ऊपर, एकदम ऐसा नहीं कि इसको भी क्रॉस करे तो बेटर नहीं है, लग यहाँ पर ही रहा, इसके आसपास रहा, देन ये यहाँ पर ओवर कर, देन 5 मिनट में एक हल्का सा ब्रेकडाउन मुझे मिले, देन मैं वहाँ पर हीरो जीरो 2:30 बजे के बाद हीरो जीरो के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। मैं एक मेरा फॉर्मूला बताया, आप देख सकते हो, नहीं देख सकते तो आपका मर्जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।